हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। ये पूरा का पूरा वीडियो पूरे ही रस के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको रस अच्छे से समझना है तो डाउट आपको कभी नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर देखिए, फिर देखने के बाद कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं रस। रस को इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमेंट्स। देखिएगा, सेंटीमेंट्स, रस हमारे क्या, हमारे अंदर से सेंटीमेंट्स निकलना। तो रस क्या होता है? रस की जो डेफिनेशन वो है कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। मीन जो आपके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, जो चीज़ें आपको फील होती हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? रस कहलाती हैं। रस के जो वो अंग होते हैं वो बेसिकली चार अंग होते हैं। चार अंग कौन? स्थायी भाव विभाव संचारी भाव अनुभाव। जी हाँ, स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव, इसको व्याविचार भाव भी कहा जाता है। आपको बता दें, स्थायी भाव टोटल 9 होते हैं, क्योंकि रस भी आपके टोटल 9 होते हैं। तो जो जैसे यहाँ पे लिखे रस के प्रकार में, यहाँ पे स्थायी भाव, तो अभी इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। विभाव, विभाव दो प्रकार का होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ पर वो चीज़ डिपेंड होना, और उद्दीपन मतलब उस चीज़ से निकलना कोई चीज़, उद्दीपन होना, उद्दीप्त। अनुभव, अनुभव मीन्स क्या होता है? बेसिकली जिसे हम रस जो होता है, जिससे हम उस विभाव की वो हो, उससे हमें उस रस का विभाव हो, उसको हम कहेंगे अनुभव। जैसे स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, कंप, विवरता, प्रलय, अश्रु, रोमांच, ये सब चीज़ें विभाव होना किसी से, उसको हम कहेंगे अनुभव। फिर आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव के टोटल 33 होते हैं, 33 होते हैं। तो संचारी भाव जैसे हर्ष होना, गर्व होना, गुस्सा आना, क्रोध आना, श्राप, श्रम, मेहनत करना, मरना, जीना, उठना, ये सब जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने या सुनने में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। और रस के टाइप में ये सब संचारी भाव आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिखे हैं संचारी भाव, पूरे तो नहीं लिखे हैं 33, लेकिन जैसे आप समझ ही होंगे, हर्ष होना, गर्व, शंका, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को, जैसे हमने कोई फिल्म देखी, आप बड़े खुश हो गए, तो आप उसमें क्या हो? खुश होना। किसी चीज़ को देख के आप बहुत गर्व करते हो, तो गर्व, ये सब हमारे मन से, अंतर आत्मा से जो चीज़ निकलती, हृदय से निकलती है कोई चीज़ को देखने, पढ़ने, सुनने के बाद उसको, तो ये टोटल सब क्या होते हैं? आपके रस होते हैं। तो रस के प्रकार पर आते हैं। रस के टोटल 9 प्रकार होते हैं। जो भरत मुनि थे उन्होंने 8 प्रकार बताए रस के, लेकिन आगे चल के आचार्य अनुवमन जी ने बताया था कि रस जो है टोटल 9 प्रकार के, जो लास्ट का जो शांत रस होता है उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी टोटल हम 9 रस पढ़ते हैं। तो 9 रस हैं, और 9 ही रसों के स्थायी भाव होते हैं। देखिएगा, स्थायी भाव मैंने आपको अभी यहाँ नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ। स्थायी भाव ही होता है जो मेन भाव होना, जिससे मेन चीज़ रस का मेन भाव निकलना, प्रधान भाव जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रोध रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्त रस का जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस का विस्मय आश्चर्य, और शांत रस का निर्वेद होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक रस को पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। पहला रस आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसके दो भाग होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो श्रृंगार रस होता क्या, जैसे सिंपल सी आप एक कोई लव स्टोरी वाली मूवी देख लीजिए, जैसे कोई मूवी होती है जिसमें लव स्टोरी वाली मूवी होती है, बिल्कुल वही आपका श्रृंगार रस है, जहाँ पे पूरा आपका बिल्कुल रोमांचित चीज़ें होंगी, जहाँ पर आपका ज़्यादातर जो वर्णन नायक और नायिका, एक्टर और एक्ट्रेस जो होंगी, उनके श्रृंगार का किया जाएगा, उनकी खूबसूरती का किया जाएगा, उसमें आपका श्रृंगार रस टोटल। आप श्रृंगार रस दो प्रकार, संयोग और वियोग। संयोग भी मिलना, जब मान लीजिए दो हीरो हीरोइन आपस में, एक दूसरे पुरानी फिल्में आपने देखी, एक दूसरे को मिलते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे राम, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी है, राम का रूप निहारती जानकी कंगन नग की परछाई। देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत ही सभ्य तरीके से चीज़ों को देखा जाता है काव्य की। संयोग में जैसे राम भगवान और सीता जी जब एक दूसरे को मिले थे, देख रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रेम की अनुभूति, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस वहाँ पे था। वियोग श्रृंगार में मैंने रामायण का ही एक उदाहरण लिया है, ताकि आपको वहाँ से समझ में आए। वियोग मीन्स क्या होना? अलग होना, दूर होना। जैसे हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं। राम भगवान जो है वो जंगल में कह रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या
तुमने सीता जी को देखा है कि सीता कहाँ है, तो ये वियोग रस है यहाँ पे जो बिछड़ने वाली बात है। तीसरे बात है हास्य रस, जिस रस को पढ़ने में हृदय में हंसी आनंद उत्पन्न होता है उसको हास्य रस कहा जाता है। जैसे कोई भी कॉमेडी मूवी देख लीजिए, जहाँ पे कॉमेडी हो जाए, जहाँ पे आपको हंसी आए उन चीज़ों से, तो उसको हम कहेंगे हास्य रस। इसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो ना आए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो उड़ दंगा। तो इस तरीके से एक कॉमेडी वाली एक हंसी वाला एक उदाहरण है, तो इसमें आप हास्य रस हो गया। अब आता है करुण शोक। करुण रस मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ आपका, जब कोई आपसे बिछड़ जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पे करुण रस, शोक शोक जहाँ होता है वहाँ पे करुण रस का अनुभूति होती है। जैसे मीना विधवा हुई, हाय विधि को भी दया ना आई, मतलब जैसे कि किसी, कोई मीना इसका पति मर गया है, तो इसमें वहाँ पे हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। वीर रस, वीर रस, वीर रस क्या होता है, जब किसी भी काव्य को पढ़ने में हृदय में उत्साह सा छा जाए उसको हम वीर रस कहेंगे। जिसमें हम रानी लक्ष्मीबाई वाला एक जो बहुत फेमस उदाहरण है हम ले सकते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वीर रस में आता है। रोद्र रस, रोद मतलब जिस चीज़ को पढ़ने या सुनने आपको क्रोध आए, गुस्सा आ जाए आपको, तो उसमें हम रोद्र रस की बात होती है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोक से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर आपका रोद्र रस, क्रोध रस, श्री कृष्ण की बातों को सुनकर कृष्ण जी, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन जो थे वो गुस्सा हो गए थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे अपने ही लोगों से, अपने ही भाइयों से, अपने ही गुरुओं से लड़ने का कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्रोधित हो गए। तो यहाँ पर रोध क्रोध की बात है। भयानक रस, भय, भयानक रस मीन्स भय, भय होना मीन्स किसी, जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते या लिखते या सुनते हैं तो वहाँ पे हमें जब डर लगता है तो वहाँ पे हम भयानक रस, हॉरर मूवीज की बात हो गई जैसे, तो इसमें एक और अजगर लकी, एक और मृगराज, विकल ब्रोही बीच ही परिया मूर्छा खात, मतलब एक तरफ ये तो इस तरह से यहाँ पे बहुत जो एक बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें बताई गई हैं कि ये एक तरफ ये है, एक तरफ वो है, मैं कैदर कहाँ से जाऊँ, तो ये सब चीज़ें बोले एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बहुत ही खतरनाक डर वाली सिचुएशन बनना। अब आता है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब जिसका स्थायी भाव ये घृणा जुगुस्सा, जिस रस को पढ़ने में, जिसका आपको पढ़ने में आपको घृणा सी हो जाए उसको कहा जाता है आपका विभत्स रस कहा जाएगा। जैसे गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उकारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के क्या मांस निकाल रहा, जैसे घृणा वाली चीज हो गई। अद्भुत रस, अद्भुत विस्मय, अद्भुत मतलब जहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात होती है, बहुत आश्चर्य, जिस चीज़ को आप देखें बहुत आश्चर्य करें तो वहाँ पे आपका अद्भुत रस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चराबे गाई, मतलब एक अचंबा देखा है कि एक सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस आश्चर्य करने ही वाली बात है। अगला प्रश्न, अगला है शांत रस। शांत रस निर्वेद, यहाँ पे जो शांत, यहाँ पे भक्ति की बात हो रही हो, प्रभु की भक्ति की बात, भगवान की भक्ति की बात हो रही हो, तो यहाँ पे शांत रस होता है। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, तो ये आपके शांत रस की परिभाषा होती है। तो इसी के साथ आपका ये जो रस था, और टोटली जो रस के टाइप थे, प्रकार थे, रस के उदाहरण थे, वो सब यहीं पर फिनिश होते हैं। तो उम्मीद है आपको कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको अगला किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको भी